हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ एफ इट इज कट इनटू टू पार्ट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एज शोन इन द फिगर द फोकल लेंथ ऑफ द ईच पार्ट इज तो पूरी लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है हमें एफ अब हमने क्या किया इसको काट दिया कैसे काटा कि एक सरफेस तो ये अलग हो गया और दूसरा सरफेस ये वाला अलग हो गया अब हमें इस इंडिविजुअल और लेंसेस का फोकल लेंथ पता करना है तो मैं मान लेता हूं कि क्योंकि यह एक कॉन्वेक्स लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है ठीक है अब अगर मैंने इसको काटा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको मैं r1 से रिप्रेजेंट करता हूं वो r है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको मैं r2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो इंफिनिटी हो गई अब अगर ये टोटल इनिशियल Uh, lens, जो पूरी है, उसकी फॉर्मूला तो से लिख सकता हूं वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस ऑफ वन इन क्या लिखूंगा वन बाई आर माइनस ऑफ माइनस आर यानी कि टू टाइम्स म्यू माइनस ऑफ वन अपॉन आर ठीक है अब मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ जो हमें एक्चुअल में निकालना है जिसको मैं एफ डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहा हूँ पार्ट, पार्ट की बात कर रहा हूँ तो ये वैल्यू है म्यू माइनस ऑफ वन इंटू वन बाय आर माइनस वन बाय इंफिनिटी जिसको मैं लिख सकता हूँ म्यू माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय आर विच इज नथिंग बट क्या है भाई ये ये है यानी की वैल्यू कितनी आ गई? 2F आ गई? गई. करेक्ट आंसर इज टू एफ चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल द बेस्ट